हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन कैसे हैं सब लोग कैसे हैं बच्चे लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग क्या हाल चाल हाय सलोनी सत्यप्रकाश मिश्रा बड़े दिनों बाद भाई वैष्णवी आरती मिश्रा जी स्टडी श्रीकांत स्मृति क्रांति हेलो हाय ऋषभ खुशी प्रिंस चंदन सदाफ राधिका गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन जस्ट लेट मी नो इन द चैट द चैट सेक्शन इफ आई एम ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू स्टडी लाइफ इज सेइंग मेरा नाम कुसुम है ठीक है कुसुम अब याद रखते हैं इसको पंद्रह को आए थे बड़े दिने बड़े दिन बाद कैसे अच्छा पंद्रह को आए थे आप अच्छा ठीक है तो हेलो एवरीवन दिस इज उज्जवल पीयूष योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु और हम लोग कर रहे हैं नीट किक में आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी और आइसोमेरिज्म दो इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हम लोग कौन कौन से क्रिस्टल फील्ड थियरी और आइसोमेरिज्म क्रिस्टल फील्ड थियरी करेंगे और आइसोमेरिज्म करेंगे तैयार हैं सब लोग एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ तैयार हैं सब लोग क्रिस्टल फील्ड और जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला लो फटाफट से अपने दोस्तों को भी बुला लो जल्दी से हम लोग करने वाले हैं क्या क्या क्रिस्टल फील्ड थियरी और आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंपोर्ट कर लिया जाए फाइल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू ओपन और बस शुरू होने वाला है है ना हाँ जी रेडी हैं सब लोग वैष्णवी कह रही है यस सर टेडी तो आप लोगों ने पहले तो ये बताओ कि कल वाला सेशन कितने लोगों ने रिवाइज किया है एक डाउट है कि प्रेसिपिटेशन बाय ए जी थ्री सोल्यूशन फ्रॉम सी ओ एन एस थ्री ओल फाइव सी एल टू बाहर सी एल टू दो मोल बाहर अगर दो सीएल टू है तो दो मोल निकलेगा बाहर अगर सीएल टू है तो टू मोल्स अगर बाहर सीएल टू है तो कितने मोल्स होंगे दो मोल्स होंगे अच्छा कल का नहीं आप लोग का पंद्रह को था अच्छा ठीक है फिर ठीक है चलिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आज करने वाले हैं क्या क्या सी एफ टी और आइसोमेरिज्म लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था पूरा बेसिक्स देखा था नॉमिनक्लेचर किया था वैलेंस बॉन्ड थियरी दिया था और होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट सेशन में तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे स्लाइड प्रिपेयर किया है कार्तिका मैम ने तो जो सेशन चलने वाला है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे बताओ सेशन में आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग करेंगे सर क्रिस्टल फील्ड थियोरी सेशन प्लान क्या है आज का सेशन प्लान क्या है आज का जल्दी बताओ सेशन प्लान क्या है आज हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी सी और दूसरे में हम लोग करेंगे बेटा आइसोमेरिज्म ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है दोनों ही नीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो ये हम लोग करने वाले हैं आइसोमेरिज्म में दोनों ही करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों ही हम लोग करने वाले हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो स्टीरियो में दोनों ही देखेंगे कौन कौन से बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये हम लोग सभी देखेंगे ठीक है तो ये हम लोगों को आज डिस्कस करना है कौन कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों डिस्कस करने वाले हैं हाँ होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग अभी होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं पहले हम लोग ये देख लेते हैं ठीक है चलो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो क्योंकि इसी पर सभी के सभी जो आपके नोट्स हैं जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो यहीं पर आपको मिलने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं तो सेशन के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे लिंक अभी भी गिवन है आप टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं ठीक है चिल्ड्रंस डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है अगर आप आग वे प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं वे प्लेटफॉर्म पर इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हैं चाहे आप इलेवेंथ में हैं चाहे आप ट्वेल्थ में हैं या फिर आप ड्रॉप ले रहे हैं या फिर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो इन सब केसेस में आप क्या कर सकते हो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और सभी पर आपको 50 परसेंट ऑफर है सभी कोर्सेस पर 50 परसेंट ऑफ अप टू टू थाउजेंड रुपीज अप टू रुपीज टू थाउजेंड आपको सभी कोर्सेस पर ऑफ मिलेगा बट वॉट यू हैव टू डू यूपी सर का छोटू सा कोड लगाना है कौन सा यूपी प्रो कौन सा कोड लगाना है बच्चे यूपी प्रो छोटू सा कोड लगाना है यूपी प्रो है ना छोटू सा कोड लगाएंगे और पहुंच जाएंगे ड्रॉपर बैच चल रहा है ड्रॉपर बैच में एडमिशन चल रहे हैं आप अगर ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ड्रॉपर बैच में एडमिशन लो इंडिया के बेस्ट टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं आपको कूपन कोड अगर यूज करोगे यूपी प्रो तो यूल गेट फिफ्टी परसेंट ऑफ अप टू रुपीज टू थाउजेंड ठीक है अगर आप इक्लव्यन बनना चाहते हैं इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन नीट इक्लव्य ट्वेंटी ट्वेंटी टू अगर आप नीट इक्लव्य ट्वेंटी ट्वेंटी टू ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है मैं बताऊंगा इससे पहले यह जान लो हालांकि आप जानते भी होगे गए एक लव्य का क्योंकि सारे रिजल्ट्स जो है आप देखो वो टॉपर बैच इंडिया का बेस्ट प्रीमियम बैच माना जाता है और सारे रिजल्ट्स वहां से आते हैं तो उसमें आपको क्या मिलता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या मिलेगा गाइडेंस बाय इंडिया टॉप नीट एक्सपर्ट्स कंप्लीट सिलेबस रिवीजन फॉर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सपोर्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो रिग्रेस टेस्ट सीरीज स्टिल नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू कस्टमाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट टेस्ट डिस्कशन एंड एनालिसिस और पर्सनलाइज ये सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आप उस लिंक पे जाओ क्लिक करो रजिस्टर करो अभी देखो भैया ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है आपके लिए वाइल्ड कार्ड देखो एक तो सबसे जरूरी बात है कि भैया ऐसा है कि पेपर देना पड़ेगा अगर आपको मोस्ट प्रीमियम बैच में एडमिशन लेना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा तो अगर कोई कहे कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कैसे तो अगर आप केवीपीवाई स्कॉलर हैं 2018, 19, 20 और 20, 2021 20, में अगर आपने केवीपीवाई पी क्वालिफाई किया है तो आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो एकलव्य बैच में और अगर आप ड्रॉपर हो ड्रॉप लेने की सोच रहे हो और आपने नीट 2021 में अगर 525 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है देन ऑल्सो यू कैन बी गिवन डायरेक्ट एडमिशन टू एक बैच और नहीं अगर ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करते हो ये दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री है देन आप हमारे बेंच टेस्ट में अप्लाई करो अप्र हो जाओ 21 नवंबर को होने वाला मैं फिर से बता देता हूं ट्वेंटी नवंबर को टेस्ट है आप दो पेपर आप पेपर दो और सीधा एक लव्यन बन सकते हो और 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 सबसे बेस्ट रिजल्ट्स लाने के लिए बेस्ट बच्चों के बीच कंपीट करने के लिए आप तैयार हो सकते हो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि फिर से अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट इज व्हाट मेगा मॉक टेस्ट आपका जो भी प्रिपरेशन है आपने जहां तक भी पढ़ा है आपने जहां तक भी पढ़ा है जो भी पढ़ा है आप टेस्ट दे सकते हो जो टेस्ट बनाया गया है नीट के एक्सपर्ट द्वारा बेस्ट टीचर्स के द्वारा फ्रॉम इंडिया आप वो टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इवन है आप उस पर क्लिक करो या फिर आप वेदांतों का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और फिर सिंपल सिंपल प्रोसेस है अपना नंबर भर दो या फिर ईमेल भर दो ओटीपी आ जाएगा और बस आप वहां पहुंच गए बस आपने कुछ नहीं करना इस ना ऊपर गए क्लिक किया आपने और टेस्ट दे दिया सेम चीज, सेम चीज आप अगर के लिए है अगर आप के लिए टेस्ट देना चाहते, तब भी दे सकते हो जय एडवांस का रिजल्ट मजेदार रिजल्ट इस बार पंद्रह प्लस बच्चों का सिलेक्शन सिक्स परसेंट ऑफ जो अपकमिंग बैच है वो आपका वेदांतों से है से है वो सारे है ना तो ऑल इंडिया रैंक 35 फाइव प्रेरक ऑल इंडिया रैंक प्रियांशु 420 मतलब ये सब जब रिजल्ट्स आता है तो फिर और मोटिवेटेड फील करते हैं और हम लोग और मेहनत चाहे आप हो गए चाहे हम हो गए मिल करके जब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता ही आता है, है ना तो चलिए फिर आज का सेशन डिटेल देखते हैं बॉटनी में आप सुबह पढ़ चुके हो भूमिका मैम से फिर आपके पास आपके यूपी सर आई गए मीनाक्षी मैम आएंगी फिर शाम में और फिजिक्स में आपके पास सचिन सर लेट नाइट आपसे मिलने आएंगे अरविंद सर है ना चलिए तो शुरू किया जाए फिर आज की कहानी शुरू की जाए एक एक बार कहानी एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से माहौल बना दिया जाए यस सर हम तैयार हैं आज की कहानी के लिए एक बार जल्दी से फास्ट सुपर डुपर फास्ट सत्य प्रकाश नाराज है आज कह रहे डाउट कर रिप्लाई नहीं किया अच्छा आज देखेंगे आज एक बार ना मैसेज करना फिर से दोबारा कर देना वो चला जाता है पीछे हो जाता है तो दोबारा कर दिया कर वरना नहीं दिखता है दोबारा कर दे पक्का आज आज रिप्लाई करूंगा सीबीएसई रात्रि की क्लासेस बच्चे एक दिन छोड़ करके होती है एक दिन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू और एक दिन सीबीएसई रात्रि गरिमा कह रही मैं भी नाराज हूं नहीं नहीं नाराज नहीं होते चलिए शुरू किया जाए लेट्स बिगिन क्रिस्टल फील्ड थियरी क्रिस्टल फील्ड थियोरी क्या है जैसे <coughs> सबसे पहले मैं पॉस्टुलेट्स की बात कर लेता हूं पॉस्टुलेट्स कहता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो आयनिक है लिगेंड दो प्रकार के होंगे अनायनिक होगा और लिगेंड जो होगा आपका न्यूट्रल होगा लिगेंड क्या होगा बच्चे अनायनिक भी होगा और लिगेंड न्यूट्रल भी होगा अनायनिक लिगेंड तो अनायनिक लिगेंड जो है उसको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं और न्यूट्रल लिगेंड जो है उसको हम लोग डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं नाइनिक लिगेंड को हम लोग किससे ट्रीट uh, करते हैं पॉइंट चार्ज और न्यूट्रल लिगेंड को हम लोग डाइपोल जैसे अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात करें तो एन एच थ्री हो गया तो दिस इज इज ट्रीटेड ट्रीटेड एज एज डाइपोल दिस डाइपोल और अगर मैं लू जैसे सी एल माइनस बी आर माइनस है ना दीज ऑल आर अनाइनिक लिगेंड लिगेंड्स के बारे में हम लोगों ने बेसिक पहले भी डिस्कस किया हुआ है ठीक बात है अब आइए समझाते हैं आपको शुरू करें समझने की कहानी शुरू की जाए भाई सब लोग तैयार हैं समझने के लिए एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए सब लोग डी ऑर्बिटल्स के बारे में जानते हैं सब लोग इसके बारे में जानते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में सब लोग ध्यान से सुनिए बोर्ड की तरफ देखिए आपको चीजें अभी तुरंत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सब लोग डी ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं कितने फाइव फोल्ड डी जेनरेट कहते हैं है ना फाइव फोल्ड डी जेनरेट इनकी एनर्जी अभी सेम है इसमें हम लोग जानते हैं कि ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स एक्स जेड डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है ठीक है डी एक्स वाई की बात करें अगर डी वाई जेड की बात कर लीजिए डी एक्स जेड की बात कर लीजिए डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात कर लीजिए और डी जेड स्क्वायर की बात कर लीजिए अगर मैं डी एक्स वाई की बात करता हूं तो क्या हो गया ये एक्स ये वाई ये फिर से अगर हम बात करें डी वाई जेड की तो इसको वाई जेड एक्सिस हमारे घर का है अगर इसकी बात करें तो ये आपका एक्स और ये आपका जेड एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये एक्सिस पर आ जाते हैं और डी जेड स्क्वायर की बात करो तो ये हो जाता है ये सबको समझ आता है बच्चे ये सबको पता है ये तीन जो होते हैं बच्चे ये तीन ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये जो तीन ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं ये तीन ऑर्बिटल्स ये तीन ऑर्बिटल्स आपके होते हैं नॉन एग्जियल ऑर्बिटल्स कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं नॉन एग्जियल ऑर्बिटल्स कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं नॉन एग्जियल ऑर्बिटल्स और ये दोनों जो होते हैं ये आपके होते हैं एग्जियल ऑर्बिटल्स कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं एग्जियल ऑर्बिटल्स एग्जियल ऑर्बिटल्स हम लोग इसको एओ के नाम से जानते हैं और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स इसको हम लोग एन ए ओ के नाम से जानते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स एन ए ओ जो कि आगे चल करके हम लोग इसी को इन तीनों को आपको टी टू जी बोला करेंगे इसको क्या बोलेंगे बच्चे टी टू जी बोला करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे ई जी क्या बोलेंगे ई जी उसको हम लोग कहेंगे बच्चे टी टू जी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे eg ऑर्बिटल्स यानी दो ऑर्बिटल ये एक्सिस पर लाई करते हैं और ये नॉन एक्जियल ऑर्बिटल्स हैं ये डी के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें जाननी बहुत जरूरी है ये बातें हमें जाननी बहुत जरूरी है किसके बारे में बच्चे डी के बारे में यहाँ तक क्लियर है यहाँ डी ऑर्बिटल्स तक सबको क्लियर है बच्चे बताओ जल्दी से क्या डी ऑर्बिटल्स तक हम सभी को सारी बातें क्लियर हैं डी ऑर्बिटल्स तक हमें सभी को सभी सारी बातें क्लियर है तो क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी को समझना है मैंने फील करना क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड देखो कल का जो मेन मकसद है जो मुद्दा है समझना क्या यही मुद्दा है ना सभी लोगों का सबका यही मुद्दा है ना कि वाई क्वेश्चन जो है हमारे मन में क्वेश्चन जो है हमारे मन में मुद्दा जो है बच्चे मुद्दा जो है क्वेश्चन जो है वो क्या है क्वेश्चन ये है सर हमारे मन में कल से एक क्वेश्चन चल रहा है क्या क्वेश्चन चल रहा है हमारे मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि वाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है वाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराता है बोलो हा कि यही क्वेश्चन है। एंड वाई दूसरा क्वेश्चन वही इसी से रिलेटेड है वाई वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता है वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता है बोलो यही क्वेश्चन है बोलो हां कि ना यही क्वेश्चन है हमारे मन में इसी को जानने के लिए हम लोग ये क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ रहे हैं। बोलो हाँ कि ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों कराता है आज जो मैं अब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इससे आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि वाई स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा और वाई वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा समझ रहे हो इससे क्लियर हो जाएगा अब जरा समझिएगा एक-एक करके हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे आंसर जानने के लिए बने रहिए यूपी सर के साथ है ना अब आते हैं इस पर दोबारा लिगेंड्स हमने कहा लिगेंड्स चलते रहा लिगेंड्स इन देखो चार्ज पार्टिकल इन मोशन क्या जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो हां कि ना चार्ज पार्टिकल इन मोशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा वेक्टर है मानते हो एकदम बहुत बेसिक से समझना वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा जब मूव कर रहा होगा जब मान लो लिगेंड चलिया 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 ये बेचारे आपके पांच डी जनरेट ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है इन ऑर्बिटल्स की आपकी एनर्जी क्या है सेम है इन फाइव तो आपके चल रहे होंगे पास आ रहे होंगे तो इनकी एनर्जी दोनों के पास इलेक्ट्रॉन दोनों में रिपल्शन होगा है कि नहीं दोनों में क्या होगा बच्चे रिपल्शन होगा दोनों में क्या होगा रिपल्शन तो एक समय के लिए एनर्जी सबकी थोड़ी बढ़ जाएगी रिपल्शन की वजह से और फिर लिगेंड जब पास आ रहा होगा और तो जिसको ज्यादा जो ऑर्बिटल उसको डायरेक्टली फेस कर रहा होगा उसकी रिपल्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी और अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी जैसे फॉर एग्जांपल जरा देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका डी ऑर्बिटल है सब लोग जरा ध्यान से बहुत बेसिक बात बता रहा हूं समझना मैंने कहा एक दो तीन चार पाँच ये डी ऑर्बिटल था की वजह से लिगेंड फील्ड की वजह से और वो भी सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड की वजह से ये इसकी एनर्जी बढ़ गई सबकी एनर्जी बढ़ गई फिर उसके बाद स्प्लिटिंग होगी फिर उसके बाद क्या होगी बेटा स्प्लिटिंग होगी फिर उसके बाद अब वो स्प्लिटिंग अलग अलग केस में अलग अलग होगी ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग होगी टेट्राहेड्रल के लिए अलग होगी स्प्लिट हो जाएगा वो अब ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग होगी और किसके लिए अलग होगी टेट्राहेड्रल के लिए करते हैं ऑक्टाहेड्रल को कंसिडर किसको कर ले बच्चे ऑक्टाहेड्रल हम लोग ऑक्टाहेड्रल देखने जा रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल से ही समझेंगे देखने जा रहे हैं क्या होता है बच्चा ऑक्टाहेड्रल यही होता है ऑक्टाहेड्रल यानी सभी आपके किस पर हैं एक्सिस पर सभी आपके ये आप मान लीजिए एक्स ये मान लीजिए वाई और ये मान लीजिए जेड अब इसी एक्सिस पर सारे लिगेंड हैं इसी एक्सिस पर आप मान लो एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव और एल सिक्स इसी एक्सिस पर सारे लिगेंड है मानते हो एकदम बहुत ध्यान से सुनना बेटा एकदम ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा इसी एक्सिस पर यानी ऑक्टाहेड्रल में ऑल लिगेंड्स अप्रोच अलोंग एक्सिस ये बात लिख सकता हूं ऑक्टाहेड्रल में ऑल लिगेंड्स अप्रोच अलोंग एक्सिस अप्रोच अलोंग एक्सिस बोलो approaches along, access, बोलो हाँ कि ना में सभी अप्रोच के अलॉन्ड्रलोंग आएंगे Octahedral में सभी ligand कहा आएंगे? के along आएंगे. सभी ligand के along आएंगे 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 के के समझ आ रही बात यहां पर बिल्कुल सही सर हाँ सर सभी लिगेंड एक्सिस तो एक बात बताओ तो सभी लिगेंड अगर एक्सिस के अलोंग आएंगे तो जब लिगेंड अप्रोच कर रहा होगा तो कौन से वाले को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल वाले को या नॉन एक्सियल वाले को अगर लिगेंड एक्सिस के अलोंग होता है अगर लिगेंड एक्सिस के अलोंग होता है तो विच ऑर्बिटल विल फील मोर रिपल्शन अगर लिगेंड एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो जो एक्सिस वाला है उसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा देखो रिपल्शन सबको मिल रहा है लेकिन एक्सेस वाले को ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लीजिए मान लीजिए कि आपने पांच कमरे का घर है और एक तरफ से आग लग गई मान लीजिए किसी एक कमरे के तरफ से आग लग गई तो ऐसा होगा कि पूरे घर की पूरे कमरे की पूरे घर की एनर्जी बढ़ जाएगी भाई सारे चिल्लाने लग जाएंगे आग आग आग, आग चिल्लाने लग जाएंगे सारे मफरा तफरी मचेगी या ऐसा होगा कि इमेजिन सेकेंड सिचुएशन ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि एक तरफ आग लगी जिस तरफ से वहां वाला उस रूम कमरे वाला बस चिल्ला रहा है आग 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 बाकी बैठा रहे अब हमारे पास जब आएगी आग तब देखा जाएगा अभी तो आराम से बैठते हैं ऐसा तो नहीं होगा बच्चे बोलो ऐसा होगा क्या बोलो ऐसा होगा क्या जल्दी बताओ जल्दी नहीं ना ऐसा नहीं होगा एक तरफ अगर मान घर में एक तरफ आग लगा है तो ऐसा उस जो जिस जो सबसे है उसको तो टेंशन है लेकिन कमरे वाला ऐसा तो पॉसिबल नहीं है पूरे घर की एनर्जी इकट्ठे बढ़ गई कि भैया आग लग चुका है हाँ लेकिन जो उस आग के कमरे के एकदम जस्ट बराबर में होगा उसकी एनर्जी जबरदस्त बड़ी होगी वो अफरा तफरी मचेगा स्प्लिटिंग होती वही काम यहां पर भी है कि जब तक लिगेंड आ रहा था दूर था सिमेट्रिकल फील्ड था तब तक सबकी एनर्जी बराबर बढ़ी लेकिन उसके बाद एक्सियल वाले को फील मोर रिपल्शन एक्सियल वाला ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल वाला विल फील मोर रिपल्शन एक्सियल वाला विल फील मोर रिपल्शन उसको रिपल्शन क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा एग्जियल का रिपल्शन ज्यादा है तो बताओ बताओ बच्चे अगर एग्जियल का रिपल्शन ज्यादा है तो एक्जियल कौन सा होता है ईजी तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और यही कारण है यही कारण है कि ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में इजी ऊपर होता है और टी टू जी नीचे होता है यही कारण है कि ऑक्टाहेड्रल में इजी ऊपर होता है और टी टू जी नीचे होता है यहां तक समझ आया यही कारण है कि ऑक्टा में ई ऊपर होता है और टी टू जी नीचे होता है स्प्लिटिंग के बाद अब समझ आ गया रीजन समझ आया रीजन समझ आया तो इसका मतलब अब जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो बताओ ई कौन दो वाला तो ये ऊपर रहेगा और टी टू जी इससे तो ऊपर ही रहेगा यहाँ टी टू जी तीन रहेंगे ये हो गया स्प्लिटिंग के बाद और ये जो होता है ये ये जो है इसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा नॉट से और यहाँ पे ये आपका इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। ठीक है तो यहां पे ये पूरा क्या हो जाता है डेल्टा नॉट और इसको कहते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये क्या है ये आपका ई है और ये क्या है ये आपका टी टू जी ये आपका टी टू जी बोलो अब समझ आ गया क्या यहां तक एक एक बात पूछते चलूंगा यहां तक बातें समझ आई बच्चे उसके बाद अभी आगे की कहानी बाद में देखेंगे क्या यहां तक बात समझ आई यहां तक बात समझ आई ठीक बात है पक्की बात है एकदम पक्की बात है है ना हाँ वेरी गुड अब बताओ डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता ना उस ऊपर दो है नीचे तीन है डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर मैं चलूं तो मैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बता सकता हूं डी में बताओ बच्चे मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बता सकता हूं डी में तो डी में हमारे पास मैं यहां पर अब बेसिक बना रहा हूं डी वन से लेकर के डी टेन तक हो सकता है तो अगर मैंने यहां पे ड्रॉ किया है अगर मैंने यहां पर इसको अब शॉर्ट में दिखा रहा हूं बच्चे तीन चार पाँच और यहां एक दो तीन चार पाँच और ऊपर अगर मैंने यहां पे एक दो तीन रखा और ऊपर मैंने दो रखा और यहां पे डिस्टेंस हमने मान लिया डेल्टा नॉट समझाने के लिए मैंने यहां पर दो का डब्बा बनाया और समझाने के लिए यहां पर तीन का डब्बा बनाया बच्चे अगर आपने मेरे साथ दस मिनट समय दे दिया ना दस मिनट ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ टेन मिनट्स आपने समय दे दिया तो क्रिस्टल फील्ड में पेयरिंग का जो रीजन है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ दस मिनट बस समझ आ रही बात क्लियर है हा तो अब जरा सुनिए जरा ध्यान से अब मैंने आपसे कहा अब मैंने कहा मान लो आपके पास D1, D2 और D3 है तो क्या आप पेयरिंग कराओगे क्या D1, D2, D3 है आपके पास या तो D1 है D2 है या D3 है तो आपसे पूछ रहा हूं क्या आप पेयरिंग कराओगे नहीं आप ऐसे इमेजिन कर लो कि आपके घर में तीन कमरे हैं तीन कमरे नीचे हैं दो कमरे ऊपर हैं आपके घर में एक गेस्ट आए तो क्या आप क्या करोगे ऐसा थोड़ी होगा कि उस गेस्ट को सुला के आप भी जाके वहीं सो गए कि नहीं हम भी अभी आपके साथ ही सोएंगे पेयर होकर के ऐसा तो नहीं होगा तो अगर आपके पास तीन कमरे हैं आपके पास तीन कमरे हैं और एक गेस्ट आया तो एक गेस्ट को पूरा मिल गया अकेले अकेले रहेगा वो दूसरा गेस्ट आया वो भी अकेले अकेले रहेगा तीसरा गेस्ट आया वो भी अकेले अकेले होगा मतलब मैं कह सकता हूं D1, D2, D3 तक नो पेयरिंग नो पेयरिंग कोई पेयरिंग नहीं होगी इक्टिव ऑफ लिगेंड इटिव ऑफ लिगेंड समझ गए ये बात हर बात पूछता चलूंगा क्या ये बात समझ आई कि d1 d2 d3 तक कोई पेयरिंग नहीं होगी चाहे लिगेंड कैसा भी होगा चाहे कह रही अनुष्का कह रही मेहमान को अकेला फील नहीं होना चाहिए अच्छा d1 d2 d3 तक कोई पेयरिंग नहीं होगी चाहे लिगेंड स्ट्रांग ही क्यों ना हो हमें जरूरत ही नहीं है पेयरिंग की समझिए अब मैं कहना चाहता हूं कि यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी लग रही है दैट इज डेल्टा नॉट यहां से वहां और इसमें इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज पेयरिंग एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए पेयरिंग एनर्जी मेरा सवाल सुनो लेकिन जैसे ही डी फोर आएगा बच्चे जैसे ही D4 आएगा जैसे ही चौथा आदमी आएगा आपके घर जैसे ही चौथा आदमी आएगा तुम्हारे घर उसके पास दो ऑप्शन हो जाएगा चौथे आदमी के पास क्या हो जाएगा बच्चे दो ऑप्शन हो जाएगा क्या ऑप्शन हो जाएगा या तो वो ऊपर चला जाए ई में और या फिर वो रह जाए T2G में बोलो हा कि ना या तो वो ऊपर चला जाए ई में या फिर वो रह जाए टी में एक एक बात को समझना देखना बहुत ही रिलेट करके समझाऊंगा और फिर लास्ट में आप अच्छा this is the logic behind कि कि no तो जैसे ही fourth electron आएगा, fourth electron के पास दो option है, कि या तो वो क्या बन जाए या तो वो ऐसा बन जाए या तो वो ऐसा वन टू थ्री और फोर यहां पेयर हो जाए यहां रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज योर पेयरिंग एनर्जी यहां पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी यहां क्या हो जाएगी यहां पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी और दूसरा ऑप्शन है कि आप बोलो कि नहीं सर हम ना ऊपर चलेंगे हम ऊपर रहेंगे वन टू थ्री और यहां जाने के लिए जो इन्वॉल्व है दैट इज डेल्टा नॉट पार करके जाना पड़ेगा इतनी एनर्जी पार करके जानी पड़ेगी आ रही है बात समझ में यहां रहने के लिए आपको इतनी एनर्जी इन्वॉल्व है यहां जाने के लिए आपको इतनी एनर्जी इन्वॉल्व है यानी D4 के पास जब हम D4 की बात कर रहे हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट D4, फोर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डी फोर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज अगर यहां रह गया तो पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व यहां चला गया तो डेल्टा नॉट इन्वॉल्व अब हमें हां अब अब समझ यही समझना है जैसे मान लो कोई अब मान लो आपके पास कोई वो आ जाए कि आ, कोई अच्छा मतलब ऐसे हो जाए कोई बोले कि भाई हमें नीचे रोकना है आपको गैस क्योंकि आप नीचे ही रह लो नीचे ही रह लो यार आप तो आपको क्या होगा थोड़ा बहुत वो बताना पड़ा नीचे अच्छे अच्छे लोग हैं आपके आजू बाजू अलग अलग अच्छे अच्छे लोग हैं तो आप नीचे रह लो या फिर आप बोलो कि अगर नहीं तुमको यही करना है तुमको ऊपर जाके रहना है तुम तुम आराम से अकेले रहना चाहते हो तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है लेकिन तुमको वो एनर्जी पार करके जानी पड़ेगी तो उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटली समझाता हूं जैसे देखो आपके पास दो एनर्जी इन्वॉल्व हो गई मैं केस वन ले रहा हूं केस वन पेयरिंग एनर्जी आपकी है पचास और आपके पास डेल्टा नॉट है सौ तो बोलो पहले क्या अचीव हो जाएगी अगर पेयरिंग एनर्जी पचास है अगर मैं कहूं कि पेयरिंग एनर्जी पचास है और डेल्टा नॉट है सौ एक आर्बिट्ररी वैल्यू ले रहा हूं तो पहले क्या हो जाएगा पेयर हो जाएगा यानी मैं कह सकता हूं केस वन जो बन रहा है कि डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी क्या केस बन रहा है बेटा डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी आपके पास है पचास और डेल्टा नॉट है सौ मतलब पहले जब एनर्जी देना शुरू हुआ पेयरिंग एनर्जी उतने में काम खत्म हम क्या हो गए पेयर हो गए तो जब डेल्टा नॉट ज्यादा होता है ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है तो हम क्या बनेंगे हम पेयर हो जाएंगे जब ऐसा केस होगा तो पेयरिंग हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी और केस टू अगर मैं लू अगर मैं कहूं केस टू अगर लेता हूँ तो केस टू में कह रहा हूँ पलट दीजिए पेयरिंग एनर्जी कर लीजिए आप सौ डेल्टा नॉट कर दीजिए आप फिफ्टी तो अब क्या हो गया केस क्या बना डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयर कराने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए अब हमें पेयर कराने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो जब हमें पेयर कराने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि पेयरिंग नहीं होगी वो ऊपर जा करके के रहेगा पेयरिंग नहीं होगी और वो भैया D4 वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर के रहेगा यानी अब डेल्टा नॉट ज्यादा हो गया यहां तक बात समझ आई ये बात समझ आई ये मैंने एक्सपेरिमेंटली समझाया आपको कि कहीं कंडीशन अगर आपको दिया हुआ हो कि डेल्टा नॉट ज्यादा है यानी ये ज्यादा है तो आप बोलोगे हम नीचे रह लेंगे और अगर ये कम होगा तो आप छलांग मार के ऊपर चले जाओगे तो ये दो कंडीशन समझ आए पहले ये बताओ जल्दी बताओ ये दोनों बात समझ आई है कि नहीं तो अब 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 वो कहानी समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं अब वो कम कहानी समझते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है अब उस राज से मैं पर्दा हटाना चाहता हूं जरा समझिएगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चे ज्यादा होगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लिगेंड और उसके बीच ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्शन क्या होगा ज्यादा होगा अगर तुम्हारा लिगेंड स्ट्रोंग फील्ड है मतलब डायरेक्शन तो पता है कि एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो क्या होगा वो रिपल्शन भी ज्यादा करेगा और जब रिपल्शन ज्यादा करेगा रिपल्शन ज्यादा करेगा तो वो क्या हो जाएगा रिपल्शन ज्यादा होगा तो डेल्टा नॉट बढ़ेगा स्प्लिटिंग बढ़ेगी भाई जितना ज्यादा रिपल्शन कराओगे उतना ज्यादा स्प्लिटिंग बढ़ेगी

वेरी गुड यस तो अगर सेफिल है फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डेल्टा रिपल्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन ज्यादा हुआ तो डेल्टा नॉट ज्यादा होगा और जब डेल्टा नॉट ज्यादा होता है तो पेयरिंग हो जाती है तो क्या हो जाती है पेयरिंग हो जाती है बोलो समझ आया क्या अब अभी मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं समझाया इस पर अभी हम लोग कोई न्यूमेरिकल समझे ही नहीं फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और अगर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब कि स्प्लिटिंग ज्यादा और स्प्लिटिंग ज्यादा तो क्या हो गया डेल्टा नॉट ज्यादा और डेल्टा नॉट ज्यादा अगर अगर डेल्टा नॉट ज्यादा है ऊपर जाने में ज्यादा लग रहा है तो वो नीचे पेयर होकर रह लेगा वो नीचे क्या हो जाएगा पेयर होकर के रह लेगा और सिमिलरली अगर वीक फील्ड है तो डायरेक्शन तो वही है अरे डायरेक्शन तो वही है तो अब क्या होगा अब क्या होगा इसकी स्प्लिटिंग कम होगी और स्प्लिटिंग कम होगी तो ये छलांग मार के ऊपर चला जाएगा क्योंकि डेल्टा नॉट कम है अगर वीक फील्ड लिगेंड लिखू बच्चे अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड लिखूं तो क्या होगा फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ा कम है फील्ड स्ट्रेंथ आपका कम है फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा थोड़ा रिपल्शन कम है और रिपल्शन कम होगा तो डेल्टा नॉट कम होगा और डेल्टा नॉट कम होगा तो आपकी पेयरिंग नहीं होगी वो भाग जाएगा ऊपर पेयरिंग नहीं होगी बोलो आया मजा बोलो समझ आया तो वो कारण जो कल हमने यूज किया था जो हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करा दे रहे थे और वीक फील्ड लिगेंड में आपने पेयरिंग क्यों नहीं कराए थे तो अब समझ आया हाँ लोग लिख रहे हैं पहली बार आया समझ आया पक्की बात है अभी तक हमने न्यूमेरिकल बात नहीं दिस वॉज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल पार्ट कंसेप्चुअल पार्ट अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट ठीक है समझ गए यहां तक ये है पूरी कहानी ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो आंसर मिल गया सर आंसर मिल गया सर आंसर मिल गया क्या इसका मिल गया आंसर आंसर मिल गया सर वाई एस एफ एल पेयरिंग कराता है वाई डब्ल्यू एफ एल पेयरिंग नहीं कराता है सर हमें आंसर मिल चुका है क्लियर है क्लियर है तो यही स्प्लिटिंग अब समझ लीजिए स्प्लिटिंग यहाँ पर यह समझाया हुआ है ये स्प्लिटिंग हम लोगों ने सीख लिया है कि ये आपका ऊपर कौन आ गया बच्चे अब बताओ अब हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं एक बार ऊपर कौन आ गया ऊपर आ गया बेटा नीचे कौन रह गया टी हमने पढ़ लिया है क्यों ऐसा होता है हमने डिस्कस कर लिया है यहां पर एक टर्म आता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहां पे एक टर्म आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखो इसमें इसमें जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें यह होता है बच्चे ये जो टोटल अगर करेंगे तो यह जो आता है दिस वन दिस इज योर माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा नॉट होता है और ऊपर वाला जो होता है बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट होता है ऊपर वाला क्या होता है बच्चे प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट इस पर अब न्यूमेरिकल आ रहा है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सुनिएगा बहुत ध्यान से माइनस क्यों होता है नीचे क्योंकि ये एवरेज एनर्जी है ये जो लाइन खींचा है बेटा बेरी सेंटर जो ये एवरेज एनर्जी है तो माइनस क्यों क्योंकि एवरेज एनर्जी से नीचे है एवरेज एनर्जी से क्या है नीचे है इसलिए माइनस और ये प्लस क्यों क्योंकि एवरेज एनर्जी से ऊपर है तो इसलिए उसको क्या कहते हैं प्लस नीचे हाँ एवरेज एनर्जी से नीचे इसलिए नेगेटिव हाँ जी हैंड रिटर्न पोर्शन भी आएगा निशा टेलीग्राम पे हैंड रिटर्न पोर्शन भी और एवरेज एनर्जी से ऊपर है तो प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट तो वो हो जाएगा अब आई बात समझ में तो यहां से जो क्वेश्चन आता है बच्चे यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन क्या होता है सुनिए कि आपसे बोलेगा डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दो सेट डी ऑर्बिटल के दोनों सेट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ठीक सी एफ एस सी का फॉर्मूला होता है सी एफ एस का बच्चे फॉर्मूला होता है माइनस जीरो पॉइंट फोर इन टू एन टी टू जी प्लस जीरो प्लस का प्लस जीरो पॉइंट सिक्स इन टू जीरो पॉइंट सिक्स इन टू एन ई जी प्लस पेयरिंग एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी आप एनपी कहते हो एनपी कह सकते हो आप इसको प्लस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर तो एनपी मतलब एनपी जहां पी आपका पेयरिंग एनर्जी जहां पी आपका क्या है बच्चे पेयरिंग एनर्जी सुनिए जरा ध्यान से अब याद कैसे रखोगे मैं भूल जाता था मैं बचपन में कमजोर छात्र था तो मैं भूल जाता था कि किसके साथ कौन है तो बेटा देखो ये ज्यादा वाला है तो ज्यादा वाले के साथ कम और ये कम वाला है तो कम वाले के साथ ज्यादा देख लो जरा इधर आओ अगर मैं यहां डायग्राम से आपको दिखाऊं और लिखूं अब क्रिस्टल जरा बताना बेटा अब लिख सकता हूं क्या मैं बिल्कुल लिख सकते हो जरा यहाँ सी एफ एस सी लिखना बेटा सी एफ एस सी बराबर एन टी टू जी है तो टी टू जी के साथ इसको मल्टीप्लाई करो टी टू जी के साथ इसको मल्टीप्लाई okay करो ई जी के साथ इसको मल्टीप्लाई करो टी टू जी के साथ इसको और ई जी के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो टी टू जी के साथ अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा एन टी टू जी इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा नॉट प्लस एन ई जी इंटू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट और प्लस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स प्लस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स समझ आया यहां तक अब आपसे बेटा एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स कैसे निकालोगे समझे कैसे निकालेंगे बच्चे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे मान लीजिए मान लीजिए आपके पास मान लीजिए आपके पास है डी डी फोर अच्छा एक बात बताओ डी वन d2 d3 के लिए क्या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स रिक्वायर्ड है क्या n की जरूरत है क्या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स होगा क्या जरूरत बोलो जल्दी से नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स का कोई मतलब है क्या d1 d2 d3 के लिए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स की कोई जरूरत है क्या नहीं क्योंकि इसमें पेयरिंग ही नहीं हो रही है जब पेयरिंग ही नहीं होगी तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स की क्या जरूरत होगी जब पेयरिंग ही नहीं है तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स की क्या जरूरत है जरूरत ही नहीं है कुछ पेयरिंग ही नहीं है तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स की कोई जरूरत नहीं है आई बात समझ में ठीक है चलिए यह भी बात समझ आए सर D4 के लिए वीक फील्ड लिगेंड में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स को मैं एन से दिखा रहा हूं वीक फील्ड के लिए एन की जरूरत है क्या D4 के वीक फील्ड लिगेंड के लिए n की जरूरत है क्या बताइए D4 के वीक फील्ड लिगेंड के लिए n की जरूरत है क्या बोलो हां कि ना जल्दी बॉक्स में निगाहें हैं मेरी नहीं है बिल्कुल नहीं है सर D4 के वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी n की जरूरत नहीं है D4 के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए D4 के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हमें n की जरूरत पड़ेगी d4 के के स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हमें N की जरूरत पड़ेगी यस d4 के स्ट्रॉग क्योंकि यहां पे हो रही है तो d4 के स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड के लिए हमें N की जरूरत पड़ने वाली है d4 के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हमें N की जरूरत पड़ने वाली है समझे यहां तक यहां तक बात समझ आई पक्की बात है क्लियर है चलिए अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है यहां तक बात हमें समझ आ गई है क्लियर है एकदम यहाँ तक अब आइए जरा और बातें सुनते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे बहुत ध्यान से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जैसे मान लीजिए अगर आप नॉर्मल लिखते D4 तो कैसे लिखते ऐसे ही लिखते वन टू थ्री और फोर नॉर्मल अगर मुझे डी लिखना होता तो क्या होता था वन टू थ्री फोर ऐसे लिखते लेकिन, लेकिन बच्चे आपको लिखना इसमें है टी टू जी नीचे और ई जी ऊपर बोलो ऊपर वाले में इसको देख करके इसमें कितने पेयर दिख रहे हैं तुमको ऊपर वाले में नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में आपको कितने पेयर दिख रहे हैं बताइए नॉर्मल कंडीशन में आपको कितने पेयर दिख रहे हैं जल्दी से बॉक्स में नॉर्मल कंडीशन में आपको कितने पेयर दिख रहे हैं तो सर नॉर्मल कंडीशन में हमें कोई भी पेयर नहीं दिख रहा है इसका मतलब जीरो है अच्छा D4 फोर को जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भरेंगे D4 फोर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब आप भरोगे तो कैसे भरोगे बच्चे पहले आपको नीचे ही फिल करना है तो यानी वन टू थ्री फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां रखोगे बच्चे फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम यही रखेंगे सर फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमें नीचे ही रखना पड़ेगा तो अब जरा बताओ कितने पेयर दिख रहे हैं कितने पेयर तो वन पेयर तो एक्स्ट्रा पेयर कितने हो गए इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो एक्स्ट्रा पेयर वो एन होता है उन दोनों का डिफरेंस वो भी एन होगा कहीं कहीं आपको जैसे एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था तो ये जो नंबर होता है इसको भी हम लोग नंबर ऑफ पेयर्स कहते हैं नंबर ऑफ पेयर्स कहते हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो वो ऑप्शन के बेसिस पर आप चेक कर सकते हो आप नंबर ऑफ पेयर भी बता सकते ऑफ एक्स्ट्रा भी बता सकते वो लिखा होगा जो में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। चलो और पूछ लेते हैं आप आप है, और अगर मैं D5 में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर पूछूंगा तो क्या बताओगे D5 में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर जल्दी बताइए D5 में D5 में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर निकालो आओ सर पहले नॉर्मल कंडीशन देख लो वन टू थ्री फोर फाइव और फिर उसके बाद इस वाले कंडीशन में आ जाओ वन टू थ्री फोर फाइव तो अगेन नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कितना आ गया बच्चे इसमें जीरो इसमें आपके पास दो तो एन कितना आ जाएगा एन आपके पास दो आ जाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे मुझे बताइए क्या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर कैलकुलेट हो जाएगा पक्की बात है कर लेंगे बहुत बढ़िया चलिए तो ये वही चीज समझाया हुआ है ये आपका है बच्चे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ था इस बार इसको इस पर क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन आपको वो क्वेश्चन में दिया होगा बेटा या फिर ज्योति कुमारी या फिर डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू दी होगी जिससे आपको पहचानना होगा जिससे आपको क्या करना होगा बच्चे पहचानना होगा ठीक है जिससे आपको पहचानना होगा क्लियर है ज्योति जी हाँ ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपका सारा काम उससे ही हो जाता है जो मैंने बताया था कि कार्बन क्या बताया था बेटा कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर क्या होते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर क्या होते हैं स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड और नाइट्रो नहीं और हेलोजन और ऑक्सीजन हैलोजन और ऑक्सीजन आप ऑक्सीजन हेलोजन लिखो ऑक्सीजन और हेलोजन के डोनर क्या होते हैं के डोनर क्या होते हैं बच्चे डब्ल्यू एफ एल होते हैं के डोनर क्या होते हैं डब्लू एफ एल होते हैं डोनर क्या होते हैं डब्ल्यू एफ एल होते हैं आई बात समझ में क्वेश्चन पूछूंगा क्वेश्चन क्या पूछेंगे बताऊंगा भी सब कुछ यहां तक क्लियर है तो एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे मान आप मैं आपसे अगर सब कुछ पूछूं हाइब्रिडाइजेशन और सब कुछ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आइए जरा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं सीओ एफ सिक्स थ्री नेगेटिव मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है COF6 एफ सिक्स थ्री नेगेटिव समझना बहुत ध्यान से बेटा COF6 एफ सिक्स थ्री नेगेटिव आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा देखो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन दूसरा जोमेट्री दूसरा क्या बेटा ज्योमेट्री तीसरा क्या पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन लिगेंड फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन इन लिगेंड फील्ड चौथा कन्फिग्रेशन नंबर ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन फिर क्या पूछेगा बच्चे फिफ्थ uh, पूछ सकता है सी एफ एस सी क्रिस्टल मैं एक ही क्वेश्चन से सारा कुछ करा देता हूं सी एफ एस क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईन एनर्जी ये भी पूछ सकता है आपसे और क्या पूछ सकता है आपसे सिक्स म्यू पूछ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है म्यू पूछ सकता है यानी ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन समझ आ गया बेटा क्वेश्चन समझ आ गया क्वेश्चन समझ आ गया क्या क्या पूछा जा सकता है क्या अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चन सॉल्व करें हाँ चलो आ जाओ जल्दी से तो क्वेश्चन देखो बच्चे सबसे पहले आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन सीओ एफ सिक्स थ्री नेगेटिव तो पहले तो आप चार्ज निकाल लीजिए और आपको बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट हो जाएगा देख लेना दिस इज माइनस सिक्स दिस इज प्लस थ्री यानी ये मिला सीओ प्लस थ्री अब सीओ प्लस थ्री का कंफिग्रेशन बोलो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फे को कोबाल्ट कितना होता है फोर एस टू थ्री डी जल्दी बताओ फोर एस टू थ्री डी सेवन सही बोल रहा हूं देखो एट लिख रहे हो तुम लोग कोबाल्ट निकल लो एट होगा ना बताओ जरा तुम लोग अब कंफिग्रेशन गड़बड़ाओगे तो कैसे चलेगा कोबाल्ट का होता है बच्चे कोबाल्ट का होता है फोर एस टू थ्री डी सेवन तो आपसे रहा सीओ प्लस थ्री फोर तो एस का उड़िए उड़ा दो क्या बन गया डी सिक्स डी सिक्स बन गया क्या बन गया बच्चे आपको बस यही चेक करना है क्या चेक करना है डी सिक्स क्या ये सबको समझ आया कि सीओ प्लस थ्री का डी सिक्स होगा जहां जहां पूछ रहा हूं बताते रहना सीओ प्लस थ्री का कितना हो जाएगा डी सिक्स हो जाएगा सीओ प्लस थ्री का कितना हो जाएगा बच्चे डी सिक्स हो जाएगा बोलो हाँ ना अब मुझे बताया जाए फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड तो हमारा जो कंफिगरेशन बन रहा है डी सिक्स इन डब्ल्यू एफ एल बन रहा है डी सिक्स किस में बन रहा है बच्चे डब्ल्यू एफ एल में बन रहा है यानी नो पेयरिंग वाला केस है ठीक बात है तो सर जब हम डी सिक्स लिखेंगे जब हम डी सिक्स लिखेंगे तो हम ऊपर जाएंगे कि नीचे ही रहेंगे जब D6 सिक्स इन डब्ल्यू है और जब हम D6 लिखेंगे तो हम ऊपर जाएंगे कि नीचे रहेंगे ये बताओ ऊपर जाए कि नीचे रहेंगे नो पेयरिंग तो तो है तो ऊपर जाएंगे वेरी गुड तो डी सिक्स भरिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स समझे डी सिक्स भर दिया मैंने ये समझ आया बेटा फीलिंग समझ आई सभी को फीलिंग समझ आई हमने कैसे फीलिंग करी बच्चे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था ऊपर जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं ना एक एक चीज को समझना बहुत प्यार से एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक बात है तो इसका मतलब हमने यहां पे पहले कंफ़िगरेशन देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं टी टू जी में आपने किया दो एक तीन और एक चार यानी टी टू जी टू वन वन और ई जी में आपने वन वन रख दिया दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन इन लिगेंड फील्ड यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर कर चुके हैं दिस इज आंसर नंबर थ्री दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अरे पेयरिंग हो पहले एक बार ऊपर चले गए उसके बाद तो नीचे ही फिल करोगे ना यार पहले एक बार ऊपर चले गए उसके बाद तो नीचे ही फिल करोगे समझ गए हाँ, तो अब जरा फिर से ध्यान से सुनिए अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तो लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तो लिख लिया अब कहता है मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या ऊपर वाले में तुम्हारा कुछ भी खाली था ऊपर वाला जब तक पूरा खाली नहीं होगा तब तक तुम अंदर वाले डी को इस्तेमाल कर सकते हो क्या ऊपर वाला हाँ पहले ऊपर भेजना है गरिमा बिल्कुल ऊपर वाला जब तक आपका खाली नहीं है पूरा पूरा आपको खाली नहीं मिलेगा तब तक अंदर वाले डी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तब तक अंदर वाले डी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है यानी इनर डी अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इनर डी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सर एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी थ्री डी टू वेरी गुड यार दूसरा ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जोमेट्री हो जाएगा सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जोमेट्री क्या हो जाएगी जोमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ अन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखी दिया टी टू जी टू वन वन ई जी वन वन तो ये भी लिख दिया तीसरा हो चुका है लिख ही देता हूं चलो टी टू जी टू वन वन ई जी वन वन फोर्थ फोर्थ है टू तो हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू हो जाएंगे समझ आ रही है बात अच्छा अगला क्या है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी का फॉर्मूला फिफ्थ सी एफ एस का क्या फॉर्मूला था बोलो जल्दी से एन टी टू जी इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा नॉट प्लस एन ई जी इंटू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट प्लस एन पी यही था जहां एन आपका नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स था जहां एन क्या था बेटा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स तो अब निकालो एन टी टू जी कितना है एन टी टू जी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू जी सबसेट अच्छा सॉरी 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 हां आई एम माई माई बैड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक दो तीन चार सॉरी आई एम सो सॉरी माई बैड माई बैड थैंक यू थैंक यू थैंक यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चार होंगे ना मैंने सिर्फ ऊपर वाले को गिन लिया ये दोनों भी अनपेड हैं मैं नीचे वाले को भूल गया था सॉरी माई एलो टू ऑल ऑफ यू यस तो वन 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 और वन तो टोटल हो जाएंगे चार हो जाएंगे तो माई एलो पॉजी माई एलोपॉजी हाँ तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे वापस चलते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए आइए वापस आ जाते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी तो n t2g होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन t2g सेट और n eg होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन eg सेट n t2g क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन t2g सेट और n eg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन eg सेट तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन t2g में कितने हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन t2g में कितने हैं t2g में इलेक्ट्रॉन गिनो इलेक नंबर टी टू जी में कितने चार वेरी गुड तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे चार इंटू माइनस डेल्टा नॉट प्लस में इलेक्ट्रॉन देखो इजी में इलेक्ट्रॉन है सर दो इजी में कितने इलेक्ट्रॉन है ई जी में इलेक्ट्रॉन है दो तो दो इंटू प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट प्लस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स क्या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर का कोई रोल है बोलो 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 क्योंकि D6 D6 सिक्स इन डब्ल्यू एफ रहा है तो क्या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर का कोई रोल होगा क्या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर का रोल होगा नहीं होगा तो इसीलिए पूरा टर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और जब सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चे लोग तो माइनस वन पॉइंट सिक्स डेल्टा नॉट प्लस वन पॉइंट टू डेल्टा नॉट कितना आ जाएगा बच्चे माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा नॉट आंसर आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा नॉट आंसर आ जाएगा सी एफ एस आ गया सी एस आ गया समझ आया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्लियर और लास्ट जो था वो म्यू था तो म्यू बराबर अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन कितना बेटा एन कितना एन बोलो एन कितना तो एन है हमारे पास सर अनपेड इलेक्ट्रॉन चार था तो चार इंटू चार प्लस दो यानी चार और दो छः छः और चार तो इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी फोर बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी फोर बोलो क्या आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में पूछे जाने वाले मतलब ऑक्टाहीड्रल्स क्रिस्टल फील्ड थियरी में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो गए हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे ज्योमेट्री निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बता लोगे सी एफ एस सी बता लोगे म्यू बता लोगे क्या सब कुछ बता लेंगे क्या हम क्या हम सब कुछ बता पाएंगे बोलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर एक बार आपको पता है चैट बॉक्स में क्या लिखना है एस एक एल वाला भी एग्जाम्पल करते हैं एक, एक वाला भी एक करेंगे। हम लोग हाँ एक और क्वेश्चन देंगे एस वाला भी एग्जाम्पल देखेंगे बहुत बढ़िया हमें बताया गया एस का भी एक एग्जाम्पल कराया जाए तो एस एफ एल आप सीओ सी एनसिक्स थ्राइस नेगेटिव भी कर सकते हैं एस का यही एग्जाम्पल कर लेते हैं चलिए सीओ सी एनसिक्स थ्राइस नेगेटिव है ना एस एफ एल वाला भी एग्जाम्पल करेंगे हमारे बच्चे लोगों का डिमांड है तो हम लोग एस एफ एल का भी एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन नंबर दो सब कुछ सेम करना है बेटा तो हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे बस पहला हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इन लिगेंड फील्ड कर लीजिए लिगेंड फील्ड ज्यादा नहीं निकालेंगे दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा निकाल लेते हैं बस ज्योमेट्री इतने से अपना काम चल जाएगा तो जल्दी से बेटा निकाल के बताओ आपके सर आपका इंतजार कर रहे हैं जल्दी बताइए चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन हाँ क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा अनुष्का एन तो मैंने पूछा ही नहीं ना बेटा एन, तो एन तो पूछा ही नहीं मैंने एन तो पूछा ही नहीं मैंने एन तो हमने पूछा ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लिगेंड फील्ड हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ज्योमेट्री ठीक है तो अब आइए मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों ने कर भी लिया होगा मैं फिर भी समझाता हूं आपको बेटा सीओ सी एन सिक्स ये हो गया माइनस सिक्स तो इस पर आ जाएगा प्लस थ्री फिर से सीओ प्लस थ्री आ गया सीओ प्लस थ्री का मतलब हो गया डी सिक्स सीओ प्लस थ्री का मतलब क्या हो गया बच्चे सीओ प्लस थ्री का मतलब क्या हो गया बेटा डी सिक्स सीओ प्लस थ्री का मतलब हो गया डी सिक्स समझ गए सर सीओ प्लस थ्री ठीक बात है मान गए डी सिक्स सी होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो डी सिक्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग होने का है यहां पर क्या होने का है पेयरिंग होने का है तो जब D6 सिक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे नीचे और ऊपर तो नीचे जब हम पेयर करा रहे होंगे तो एक दो तीन चार पांच छ नीचे ही सारा का सारा पेर हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चे टी टू जी टू 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 और ई जी जीरो जीरो टी टू जी टू टू टू, टू, टू और ई जी क्या हो जाएगा जीरो जीरो यानी अब हमारे पास ऊपर के तो इलेक्ट्रॉन खाली ऊपर के ऑर्बिटल खाली तो यानी अंदर वाला डी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा डी टू एस पी थ्री अब देखो बेटा पहले हम लोग क्या करते थे पहले बैलेंस बॉन्ड थियरी से पूरा लिखते थे फिर उसमें निकालते थे फिर चेक करते थे अब देखो खटखट होने लग गया बस ये देखना कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही जैसे अंदर खाली तो बस हाँ डी टू एसपी थ्री और जोमेट्री हो जाएगा बेटा ये ऑक्टा हेड्रल ही आपका ऑक्टा हेड्रल ही रहेगा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा तो क्लियर हो गया क्या बेटा हाँ जी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज वाई डाया मैग्नेटिक एंड म्यू इज ऑल्सो जीरो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज वाई डाया मैग्नेटिक एंड म्यू इज ऑल्सो ज़ीरो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन बोलो एक बार मज़ा आ गया चैट बॉक्स में थोड़ा बताओ यार थोड़ा माहौल वाहौल बनाया करो हैं ऐसे बैठे रहोगे शांति शांति से तो कैसे काम चलेगा जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा सा बताया बनाया जाए माहौल वाहौल है कि नहीं एक बार जल्दी से बताओ समझ आया तो बनाओ नहीं आया तो कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं है ना तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है बेटा हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए जरा ध्यान से क्लियर है यहां तक आनंद की अनुभूति हो गई है हम्म बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी अब हम लोग बात करेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग इन ये क्या हो गया स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड जस्ट अ सेकेंड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड स्क्रीन फिर जवाब दे रहे हैं एक सेकेंड बस है ना

ऊपर क्या हो गया टी टू जी और नीचे क्या हो गया नीचे क्या हो गया बेटा eg हो गया ऊपर आपके पास ऑक्टा हेड्रल में ऊपर क्या था ऊपर eg था और नीचे क्या था टी टू जी था ऑक्टा हेड्रल में ऊपर क्या था ऑक्टा हेड्रल में ऊपर क्या था बच्चे ऑक्टा हेड्रल में ऊपर eg गी था टेट्राहेड्रल में ऊपर क्या हो जाएगा टी टू जी हो जाएगा और इसका सी एफ एस सी अगर निकालोगे तो काम वही करना है जैसे देख लो अगर मैं यहां सी एफ एस सी आपके लिए तो ऊपर टी टू जी है तो ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा टी हो जाएगा और ये आपका माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टी हो जाएगा तो क्या लिखोगे बताओ सी एफ एस सी बराबर क्या लिखा जाएगा सी एफ एस सी लिखा जाएगा बोलो कितना एन नीचे क्या ई जी इन टू माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टी प्लस एन टी टू जी इंटू प्लस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा टी प्लस अब यह बीस में हम लोग नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स की बात नहीं करते हैं टेट्राइडल में क्योंकि पेयरिंग नहीं होती है क्लियर है जनरली इसमें हम लोग वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो ये आ जाएगा यहां पर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स एनी प्लसिंग एनर्जी क्लियर तो इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन कर लो कि सेम जैसा ऑक्टाहेड्रल में ने पढ़ाया बस आके आपके पास सिर्फ क्या कर लेना बेटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है यहां तक कोई दिक्कत किसी को नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बेटा जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा लिगेंड का मान लो लिगेंड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो यानी हम लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है तो अगर लिगेंड स्ट्रेंथ स्ट्रोंग होगा तो क्या होगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी अभी पढ़ाया है तो ये हमें समझ आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड यानी स्प्लिटिंग जो होगा वो एस में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डब्ल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा लिगेंड के साथ उसका अट्रैक्शन होगा जितना उतना करीब आएगा उतनी ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी स्प्लिटिंग होगी फिर है ट्रांजिशन सीरीज डी सीरीज में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा आपका फाइव 4d और फिर 3d अगर 5d मान लो अगर मैं कहूं कि प्लैटिनम निकेल और पैलेडियम है तो मैं आपसे पूछूं कि कौन से सेंट्रल मेटल के साथ सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन से सेंट्रल मेटल के साथ सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी बताओ तो सर प्लैटिनम के साथ क्योंकि ये क्या है ये थ्री डी सीरीज ये थ्री डी सीरीज प्लैटिनम क्या है फोर डी नहीं प्लैटिनम इज फाइव डी सीरीज प्लैटिनम क्या है प्लैटिनम इज फाइव डी सीरीज और पैलेडियम क्या है आपका फोर डी सीरीज का एलिमेंट है तो इसीलिए प्लैटिनम के साथ स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी प्लैटिनम के साथ आपकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी तो चलो जरा क्वेश्चन अच्छा एक और है इसमें अगर देखें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर की तो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा टेट्राहेड्रल यानी इसको याद मैंने कैसे किया था स्पॉट कैसे याद रखोगे स्पॉट कैसे याद रखोगे बच्चे स्पॉट 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 स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा देन ऑक्टाहेड्रल और देन टेट्राहेड्रल का सबसे ज्यादा देन ऑक्टाहेड्रल और देन टेट्राहेड्रल सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर देन ऑक्टाहेड्रल और देन टेट्राहेड्रल सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर देन ऑक्टाहेड्रल और देन टेट्राहेड्रल आई बात समझ में क्लियर है क्लियर है यहां तक तो अब ज्योमेट्री की बात कर ले तो आपको सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर फिर ऑक्टाइडल फिर टेट्राइडल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होता है फोर बाई थ्री डेल्टा नॉट टेट्राइडल होता है फोर बाई नाइन डेल्टा नॉट एक बार इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है और डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होता है वन बाई वन पॉइंट थ्री डेल्टा नॉट के चलो क्वेश्चन करो द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर सीओ सी एल सिक्स फोर नेगेटिव इज इतना तो दी एफ एस ई फॉर सी ओ सी एल फोर नेगेटिव विल बी जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फास्ट 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 क्या लग रहा है आंसर डी लग रहा है आंसर इज डी यस द आंसर इज डी थाउजेंड 2019 का क्वेश्चन है बेटा सिंपल सा है कि अगर आप देखो क्या दिख रहा है आपको यहां देखो यही दिखाया था ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच में ऑक्टा हेड्रल और बाई नाइन डेल्टा नॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा टी इक्वल्स टू फोर बाई नाइन डेल्टा नॉट तो इसका तो आप ये ऑक्टाहेड्रल है सिक्स वाला क्या हो गया बेटा ये ऑक्टा हेड्रल है ये क्या है आपके पास ऑक्टा हेड्रल है बोलो हां कि ना ये क्या है ऑक्टा हेड्रल बोलो जल्दी से ऑक्टाइड्रल तो इसका दिया हुआ अठारह हजार तो डेल्टा टी और ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल सी एल टेट्रा फोर यह है कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा टेट्राइड्रल तो क्या आ जाएगा फोर बाई नाइन इंटू अठारह हजार तो नाइन टू हजार और टू इंटू चार बराबर हो जाएगा आठ हजार ये आंसर हो जाएगा तो एट थाउजेंड इज द करेक्ट आंसर एट थाउजेंड इज द करेक्ट आंसर हाँ स्पॉट याद रखा था ना वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा अगेन नीट दो अभी कोई पूछ रहा था ना कितने देर का कितने क्वेश्चन आते हैं देखो नीट दो में ही दूसरा क्वेश्चन वॉट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन केफोर बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थियरी बोलिए वॉट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वॉट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वॉट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लगता है आ, अनिल अनिल कह रहे मैं पूछ रही थी अच्छा तो देखा जाए भाई आंसर क्या है आंसर है सर सी तो चेक कर लो भाई के फोर एफ ई सी एन सिक्स के फोर एफ ई सी एन सिक्स तो क्या हो गया ये हो गया प्लस फोर तो ये हो गया माइनस सिक्स तो ये हो गया प्लस टू ये कितना हो जाएगा प्लस टू तो एफ ई प्लस टू का मतलब क्या होगा एफ प्लस टू का मतलब क्या होगा बच्चे एफ ई प्लस टू का मतलब हो जाएगा फोर एस टू थ्री डी सिक्स होता है कितना होता है थ्री डी सिक्स होता है थ्री डी फाइव होता है आयरन मतलब कितना हो जाएगा जल्दी बताओ स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फे फे हो गया आयरन तो आयरन फोर एस जीरो थ्री डी सिक्स अब आपसे कहता है सी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो किसका कंफिग्रेशन लिखना है डी सिक्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो कैसे भरोगे सर हम भर देंगे सर हमें टेंशन थोड़ी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी हम लिखेंगे टी टू जी टू 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 और ई जी जीरो जीरो टी टू जी टू 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 और ई कितना हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा। बोलो यस और नो क्लियर हो गया एवरी वन यस और नो तो आ, आ जाएगा टी टू जी सिक्स टी टू जी टू 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 को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा टी टू जी सिक्स और ई जी जीरो बोलो सवाल समझ आए 2019 के क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे आप 2019 के क्वेश्चन हो रहे हैं हाँ वेरी गुड 2019 का क्वेश्चन हो गया सर चलिए तो ये हम लोगों ने कर लिया अब आइए कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट इज योर कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर किसकी वजह से होता है बेटा डी डी ट्रांजिशन की वजह से कि जब मान लीजिए आपके पास जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट होकर के ऊपर जाएगा और इसकी वजह से उसकी वजह से कलर देखने को मिलता है तो इसमें हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकल क्या पढ़ते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल कॉम्प्लीमेंट्री क्या पढ़ते हैं बेटा कलर साइकिल अगर आप इसको अगर बनाओ इस तरीके से तो विब ग्योर कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल अगर मान लो आपका कलर ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो रेड दिखेगा येल्लो ऑब्जॉर्ब हो रहा है तो वायलेट दिखेगा ऑरेंज ऑब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लू इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल कॉम्प्लैक्ट कहा है सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल कहते हैं क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल इनको हम क्या कहते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल तो इस तरीके से आप वहां पे अब अलग अलग तरह के कलर ये आपको आगे बताऊंगा कलर के बारे में एक चार्ट दे दूंगा लास्ट में जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से किस किस प्रकार के कलर शो करता है कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स किस किस प्रकार का कलर शो करता है ठीक बात है तो अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म सेकेंड पार्ट पहला सी सबको समझ आ गया बेटा CFT सबको समझ आ गया दो चीजें पढ़ानी थी इंपॉर्टेंट तो बताओ सबसे पहले कि CFT सबको समझ आ गया एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ तभी आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा बहुत कम बच्चे हैं इतने में तो क्या ही पढ़ेंगे हम लोग लेकिन फिर भी मैं अपना काम करा देता हूं आप लोग रिप्ले देख लेना जल्दी हा क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल करने CFT सबको क्लियर हो गया मजा आ गया CFT में तो अब आओ आइसोमेरिज्म समझ लेते हैं इसमें भी हमें तकलीफ होती है आइसोमेरिज्म बहुत आसान है आइसोमेरिज्म क्या है बेटा आइसोमेरिज्म बहुत ईजी है बहुत आसान है आइसोमेरिज्म कहता है कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के पास मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स और द इज नोन एज आइसोमेरिज्म तो सेम अब अब इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें कहता है कि इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है पर डिफरेंट बॉन्ड्स होता है आपको नाम के अकॉर्डिंग चलते रहो जैसे देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हाइड्रेट या लिंकेज आइसोमेरिज्म और coordination isomerism। इसमें सबसे 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 आसान आसान यही होता है, structural isomerism सबसे आसान होता है, है। सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या कहेगा कि मान लीजिए ये दो दिए हैं। बेटा अगर मैंने Br को बाहर रखा है और एक्वास AgNO3 दे दिया तो क्या मिल जाएगा ए जी बी आर का तुम क्या दे दोगे पेल येलो प्रेसिपिटेट दे दोगे बोलो हाँ कि ना क्या मिल जाएगा पेल येलो प्रेसिपिटेट कैसे हमें पता चलेगा कि आयंस अलग अलग है अगर आपके आयंस अलग अलग होंगे तो हम लोग कह देंगे कि वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और आयंस आपके अलग अलग हो तो हम लोग कह देंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसे एसओ फोर है तो बी एस सी एल टू से मिलाओगे तो बी ए फोर का वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा वाइट पीपीटी तो कलर बदल गया तो हम लोग कह देंगे कि भैया हमें अलग अलग, अलग आयंस मिल गए हैं और जिसकी वजह से ये क्या शो कर रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दूसरा है हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ एच टू ओ अगर बदलेगा बच्चे अंदर हाइड्रेट और सॉल्वेट कब कहोगे जब नंबर ऑफ एच टू ओ अंदर बदलेगा एच टू ओ की संख्या अगर अंदर बदल रही है यहां एच टू ओ छह है यहां एच टू ओ पांच है तो नंबर ऑफ एच टू ओ अगर चेंज हो रहा है नंबर ऑफ एच टू ओ अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे बेटा कि वो हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म लेकिन 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 मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए क्या सेम होना चाहिए मॉलिकुलर फॉर्मूला लिंकेज आइसोमेरिज्म लिंकिंग का फर्क होगा जैसे हम लोग इसको कहते हैं एम्बीडेंटेट कौन शो करेगा बेटा लिगेंड कौन शो करेगा लिगेंड शो करेंगे जैसे NO2 और ONO है कि नहीं ये N से कनेक्टेड है एन डोनर है और ये ओ डोनर है मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इसके डोनेशन का एटम डोनर एटम क्या है डिफरेंट है इसमें क्या देख रहे हो बेटा इसमें NO2 में ये N से डोनेट कर रहा है और ये O से डोनेट कर रहा है ये किससे डोनेट कर रहा है बच्चे O से डोनेट कर रहा है तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है N से अगर ये डोनेट करेगा N से अगर डोनेट करेगा तो हम क्या कहेंगे इसको N से अगर डोनेट करेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे N से जुड़ा हुआ है देख लो यहां पर और यहां पे क्या अलग अलग ओ से जुड़ा है तो इसको हम लोग अगेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म कह देंगे इसको हम लोग क्या कह देंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म कह देंगे आई बात समझ में क्लियर है लिंकिंग का फर्क हो जिसमें लिंकिंग का फर्क हो और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है जैसे मान लीजिए यहाँ सीओ एनएस थ्री होल सिक्स है तो इनका अदला बदली कर दो लिगेंड का यहां सीओ के साथ एन एस थ्री है सीआर के साथ सी एन है तो सीओ के साथ तुम सी एन ले आओ और सीआर के साथ तो मैंने स्त्री कर दो तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लिगेंड का सेंट्रल आइटम के साथ अगर अदला बदली हो जाएगा तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्लियर है तो स्ट्रक्चरल क्लियर हो गया स्ट्रक्चरल तो बहुत आसान था स्ट्रक्चरल बहुत आसान था आयनाइजेशन में आयन का फर्क हाइड्रेट में नंबर ऑफ एच टू ओ का फर्क फिर आपके पास क्या आ जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा कि आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए लिंकिंग का फर्क हो जाए और इसमें कोऑर्डिनेशन में लिगेंड और सेंट्रल मेटल का अदला बदली कर दो तो आपको ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा नेक्स्ट इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कहता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा क्या कहता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कहता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इनका स्पेशियल अरेंजमेंट स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा केमिकल फॉर्मूला सेम बट इनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगा डिफरेंट होगा जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ज़रा सब लोग ध्यान से सुनिए मैं आपको इसमें समझाता हूं सब लोग एवरीवन कोऑर्डिनेशन नंबर चार की अगर बात करूं किसकी बात करूं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर चार की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है कौन कौन सी एक तो हो गया टेट्राहेड्रल एक कौन हो जाएगा टेट्राहेड्रल और दूसरा हो जाएगा आपके पास स्क्वायर प्लेनर दूसरा क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर दूसरा हो जाएगा स्क्वायर प्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर समझो समझो बहुत ध्यान से कोऑर्डिनेशन नंबर चार में दो चीजें होंगी कौन कौन से कौन कौन से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर मान लीजिए इसको एल वन मान लेते हैं एल टू मान लेते हैं एल थ्री मान लेते हैं और एल फोर मान लेते हैं तो भैया इसमें हमें पता है कि ये एंगल होता है वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री तो ऑल लिगेंड्स आर एट सेम डिस्टेंस टेट्राइडल पढ़ा चुका हूं ऑल लिगेंड सेम डिस्टेंस पर है और थोड़ा सा तो मैं क्या कहूंगा यहां पर मैं क्या कहूंगा यहां पर मैं क्या कहूंगा यहां पर मैं कहूंगा कि यहां पर जी आई शो नहीं करेगा जब सारे सेम डिस्टेंस पर है ऑल लिगेंड्स ऑल लिगेंट्स आर एट सेम डिस्टेंस आर एट सेम डिस्टेंस और लिगेंट्स आर एट सेम डिस्टेंस तो ये क्या नहीं शो करेगा ये जी आई शो नहीं करेगा नो जी आई हो जाएगा लेकिन अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात कर लूँ स्क्वायर प्लेनर की बात कर लूँ तो आप देख लो यहाँ पे क्या मान लीजिए एल वन एल टू एल थ्री एल टू और एल फोर कर लूँ तो आप देख लो ये 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 डिस्टेंस और ये ये डिस्टेंस सेम नहीं है तो ये GI शो करेगा ये क्या करेगा बच्चे GI शो करेगा तो यही आपको पता करना है कि एक के रिस्पेक्ट में एक के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या कहोगे तो क्या कहोगे कि वो GI शो नहीं कर रहा है वो GI शो नहीं करेगा और अगर चेंज होगा तो वो जीआई शो करेगा और जीआई में अगर दोनों सेम साइड होंगे तो हम लोग सिस कहेंगे और ऑपोजिट साइड होगा तो हम लोग उसको ट्रांस कहेंगे लेकिन यहां पर सेम साइड और ऑपोजिट साइड बोलते हैं किसके बेसिस पर अगर 90 डिग्री पर है तो हम उसको सिस कहेंगे और 180 डिग्री पर है तो हम उसको ट्रांस कहेंगे अगर 90 डिग्री पर है तो हम उसको सिस कहेंगे और 180 डिग्री पर है तो हम उसको क्या कहेंगे ट्रांस कहेंगे जरा एक बार मेरी बात समझना एक बात सुनना अगर मैं कहूं एम वन टू थ्री फोर अगर मैं बेटा वन और टू की बात बोलूं कि वन और टू किस पर है पोजीशन है कि नहीं वन और टू क्या पोजीशन है वन और टू ये दोनों नाइन्टी पर हैं तो वन और टू क्या हो गया पोजीशन हो गया वन और थ्री वन एट्टी है तो वन और थ्री क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा वन और फोर क्या है अगेन नाइनटी है वन और फोर तो वन और फोर भी क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा टू और फोर टू और फोर टू और फोर क्या हो जाएगा टू और फोर क्या हो जाएगा टू और फोर हो जाएगा आपका ट्रांसपोजिशन टू और फोर भी आपका क्या हो जाएगा बेटा ट्रांसपोजिशन ठीक है टू और फोर क्या हो जाएगा ट्रांसपोजिशन ठीक है देखो म्यूजिक वर्ल्ड कह रहे हैं कि इनका ये ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं लेकिन ये चैप्टर नहीं है इनके सिलेबस इनके उसमें बताओ हैं भैया ट्वेल्थ में है बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जरा ट्वेल्थ के एनसीईआरटी खोलो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ट्वेल्थ के एनसीईआरटी बेटा ओपन करोगे कभी गलती से अगर ओपन हो जाए पहला ही पार्ट है ट्वेल्थ के एनसीईआरटी तो आपको मिलेगा ऐसा ऐसा चैप्टर मिलेगा और थोड़ा सा अगर आप कोशिश करोगे तो जरूर मिलेगा है ना चलिए खैर तो अब देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका जीआई शो करेगा और ऑक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका जीआई शो करेगा टेट्रा हेड्रल आपका जीआई शो नहीं करता है तो अगर मैं अब आपको देखूं अब मैं एक एक करके दिखाने जा रहा हूं सब लोग जरा सब लोग बोर्ड की तरफ निगाह है बोर्ड की तरफ बेटा एम ए टू बी टू क्या शो करेगा हाँ अगर मान लीजिए मैंने इसको एक दो करके दिखा रहा हूं कि ए और ए को मैंने यहां रख लिया और बी और बी को यहां रख लिया क्या हो गया बेटा ये सिस हो गया ये क्या हो गया सिस और अगर एम ए टू बी टू को मैंने ए और ए को यहां रख दिया और बी और बी को यहां रख दिया तो इसी स्ट्रक्चर का ये ट्रांस हो गया अगर दोनों शो हो रहा है तो ये जी आई शो करेगा बहुत आसान है समझना आराम से अगर समझोगे बेटा अगर अगर आराम से आप इसको समझोगे तो बहुत आसान है समझ आ जाएगा दूसरा देखो एम ए टू बी सी तो इसको रेफरेंस मान लो ए टू को रेफरेंस मान लो तो फिर से मैं बनाऊंगा मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करो क्लियर हो जाएगा ए और ए सेम साइड और बी और सी यहां रख दिया और दूसरे में मैंने इसको बनाया एम ए और इसका ट्रांस हो गया तो मैं कहूंगा ये भी जी आई शो कर रहा है एम ए बी सी डी भी शो करेगा एम ए बी सी डी भी शो करेगा बिल्कुल सर पोजिशन बदलेंगे तो ये शो करेगा एम ए फोर नहीं करेगा क्योंकि अगर आपने इसको ए ए ए और ए यहां रख दिया तो सर एक मेरा मन कहने लगा कि मैं इस ए को उठा के यहां कर दूं मैं इस ए को उठा के यहां कर दूं तो मैं अगर ये सब चीजें चेंज करूंगा तो मुझे कोई भी पोजीशन में फर्क नहीं दिख रहा है कोई भी अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे जी शो नहीं करेगी सिमिलरली अगर एम ए थ्री बी शो करेगा कि नहीं ए ए और बी और दूसरा एम मान लीजिए ए ए बी ए शो करेगा नहीं शो करेगा क्योंकि देखो अभी भी ए और बी में है सिस में और अभी भी ए और बी में है सिस में अभी भी A और बी इसमें देखो तो ट्रांस में है अभी भी ए और बी इसमें ट्रांस में तो अगर हमें पोजीशन बदलने पर स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये भी जीआई शो नहीं करेगा आई बात समझ में क्लियर हो गया क्या बेटा एक बात बताओ जल्दी से क्लियर हो गया क्या आप पहचान लोगे कि वेदर इट विल शो जी आई और नॉट क्या आप ये बात पहचान लेंगे कि ये जी आई शो करेगा या नहीं करेगा बोलो क्लियर है चलिए तो एग्जाम्पल देख लीजिए एम एन एच थ्री होल्ड ट्वाइस सी एल टू तो बिल्कुल एग्जाम्पल कैसा हो गया बेटा एम ए टू बी टू का तो ऑब्वियस सी बात है ये जी शो करेगा कैसे कहेंगे इसको रेफरेंस मान लो बी को तो आप क्या कहोगे बेटा एक बार आप कह लो एम ए टू बी टू है ना ए टू बी टू है तो आप क्या कहो ए और ए को एक बार सिस में रख लो और एम ए और ए को एक बार ट्रांस में रख लो खत्म एम ए और ए को आप सिस में रख लो ट्रांस में रख लो शो करेगा बोलो यस और तो बेटा इसी को हम लोग कहते हैं सिस प्लैटिन और इसको कहते हैं ट्रांस प्लैटिन इसको हम लोग क्या कहते हैं सिस प्लैटिन और इसको कहते हैं ट्रांस प्लैटिन। क्लियर है नेक्स्ट एम ए टू बी सी बच्चे अब एम ए टू बी सी टाइप तो अब समझा सबका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं सबका क्या दिखा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल अब आपको बस जहां जहां ए है अच्छा इसमें एक चीज बात समझना ए बी सी ऐसे लिखा जाएगा तो ये होता है मोनोडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड और अगर आपके पास ए ए ऐसा दिया है तो इसको कहते हो सिमेट्रिकल क्या कहते हैं बेटा सिमेट्रिकल बाईडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल बाईडेंटेट लिगेंड और अगर आप ए बी ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहते हो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं इसको क्या कहते हैं बेटा ये दोनों जो होते हैं ये हम इसको 90 डिग्री पर ही रखना पड़ता है किस पर रखना पड़ता है बेटा एट 90 डिग्री ही रखना पड़ता है एट 90 डिग्री अगर छोटू छोटू अल्फाबेट में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको मोनोडेंटेट कहते हैं जैसे ये सब क्या है एन एस थ्री सी एल एन ओ टू ये सब आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ हो बेटा EN होल ट्वाइस तो ये क्या हो जाएगा EN होल ट्वाइस क्या कहोगे इसको बोलो बोलो EN होल ट्वाइस को क्या कहोगे बेटा EN होल ट्वाइस को सर इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल बाईडेंटेट लिगेंड EN होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहेंगे सिमेट्रिकल बाईडेंटेट लिगेंड एम ए बी सी डी आप देख लो यहां पे तीन तरह के फॉर्म होंगे ये भी बता दिया था कि ये भी जीआई शो करेगा आइए ऑक्टाहेड्रल देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल देखो एम ए फोर बी टू एम ए फोर बी टू मैं समझा देता हूं एम ए फोर बी टू कैसे होगा आप बी बी को रेफरेंस मान लो तो आपने क्या किया एम ऑक्टाहेड्रल कैसा बनता है ऐसा मैं दोनों यही बना रहा हूं एम ए फोर बी टू ऐसा बनेगा कलर बदलो क्या करोगे बी और बी को पहले आपने रख दिया सिस में और एक बार बी और बी को कहां रख दिया बच्चे ट्रांस में एक बार कहां रख दिया बी और बी को एक बार सिस में और बी और बी को ट्रांस में तो इसलिए ये शो करेगा पहले जो नहीं कर रहा है वो देख लो सारे के सारे सेम हो गए तो कहीं भी पोजीशन आप बदलते रहिए कोई भी चेंज नहीं होगा और ए फाइव बी अगेन सिमिलरली इसमें भी कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा इसलिए भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा जैसे एम ए फोर बी टू टाइप देख लो सीएल सीएल को माना तो सीएल और सीएल कहां पर सिस में और CL और CL कहां पर ट्रांस में आई बात समझ में CL और CL कहां पर ट्रांस में क्लियर है नेक्स्ट अगर एम ए ए एम ए टू दिखा हुआ है तो जरा समझो जरा इसको ध्यान से अगर इसको समझे हम लोग क्या एम M... क्या क्वेश्चन है बताओ जल्दी से क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है एम ए टू होल्ड ट्वाइस या फिर सीओ सी एल टू ईन टू क्वेश्चन है बच्चे सीओ सी एल टू ई एन टू पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है ये क्या है ये है मोनोडेंटेट लिगेंड और ये क्या है ये है सिमेट्रिकल बाईडेंटेट सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ये कहां रहेगा ये हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा ये कहां रहेगा बच्चे हमेशा 90 डिग्री पर बोलो ये हमेशा कहां रहेगा बच्चे 90 डिग्री पर तो जरा देखो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं सीओ ऐसा ही रहेगा ये दो ऑक्टाहेड्रल सब लोग ध्यान से सुन लो ये कहां रहेगा तो सीओ सीएल और सीएल को एक बार मैंने कहा रख दिया बच्चे ट्रांस पर तो ई एन जो है वो 90 पर कैसे रहेगा ऐसे और ऐसे देख रहा है बाईड कि दो दांत निकल गए इसके उसी तरह ई एन जो है इसको हम लोगों ने ऐसे रखा तो दिख रहा है दो दांत निकल गए इसके तो एक बार ये स्ट्रक्चर जो बना दिस इज योर ट्रांस ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया ट्रांस और इसकी बात करूं अगर ई एन की एक ई एन हमने यहां लगा दिया मान लीजिए और दूसरा ई एन हमने यहां लगा दिया तो दिख रहा होगा आपको कि ये 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 और ये दे दिया इन्होंने तो ये बाइडेंटेट और सी एल और सी एल तो ये दोनों नाइनटी पर हैं तो ये क्या हो गया सिस गया तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो ऐसे ही आपको देखना है उसी तरीके से एम ए थ्री बी थ्री टाइप अगर देखें तो इसको कहते हो इसमें क्या होता है बच्चे कि यहां पर एम ए थ्री बी थ्री में अगर आप ध्यान से देखो तो इसको कहते हैं फेशियल और मेरीडोनल एम ए थ्री बी थ्री आपने तीनों एनओ टू को एक तरफ रख दिया तो इसमें कंडीशन बनता है कि ए के सामने पहले वाले में देखो ए के सामने बी ए के सामने बी ए के सामने बी ये कंडीशन बनता है मैं आपको इसको समझा देता हूं देखो एम ए थ्री बी थ्री अगर मैं आपसे बोलूं कि एम ये ऐसा है और मैंने रखा ए ए और ए और दूसरे में रख दिया बी 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 इधर रख दिया क्या क्या बी बी और बी ये ऐसे रख दिया तो ये दिख रहा है आपको ये आपको एक फेस सा बनता हुआ दिख रहा होगा ये कैसा बन रहा है बेटा एक फेस सा बन बनता हुआ दिख रहा है तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग कहते हैं फेसियल या फिर आप इसको कहते हो फैक आइसोमर क्या कहते हो बेटा फैक आइसोमर इसमें कंडीशन जो है वो ए के सामने बी रहेगा हर केस में देखो ए के सामने बी ए के सामने बी ए के सामने बी तो ए के सामने हमेशा बी रहेगा ए के सामने क्या रहेगा हमेशा बी ऐसे कंडीशन याद कर लो ए के सामने बी और ए के सामने बी ये हमेशा रहेगा इसमें इसी का मेरीडोनल में क्या करना है जब आप इसको मेरीडोनल में बनाओगे तो सिर्फ इसका इंटरचेंज कर दो इसको यहां भेज दो इसको यहां भेज दो आपका बन गया मेरीडोनल देख लो तो आप इससे आप कंडीशन याद रख सकते हो जैसे मैंने बी को उधर भेज दिया तो मैंने बी को भेज दिया बी आ गया यहां पर बाकी कुछ चेंज नहीं करना है बाकी बी वहां चला गया दूसरा बी यही रहेगा और दूसरा बी यही रहेगा समझ आई बात और बाकी आप ए को प्लेस कर लीजिए ए यहां ए यहां और ए यहां भेजा है अब कंडीशन क्या बदला बच्चे बताओ जल्दी से कंडीशन क्या बच्चा कंडीशन क्या बदला बताओ यहां ए के सामने बी आया ए के सामने बी आया ए के सामने बी ए के सामने ए भी आया और B के सामने B भी आए तो अलग अलग अरेंजमेंट हो गया अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिल गया अरे अरेंजमेंट स्पेस में बदल गया और स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग कहते हैं मेरी आइसोमर और इसको कहते हो मर आइसोमर मर आइसो मर मर आइसोमर फिर इसको क्या कहते हैं बेटा मर आइसोमर हां सबके सामने ए नहीं है अभी यस एग्जैक्टली तो मर आइसोमर तो दोनों का स्पेशल अरेंजमेंट बदल गया तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यह भी किसके अंदर आ जाता है, के अंदर। क्लियर है? मर तो यहां आपका खत्म होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया हुआ है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा इसके लिए क्या चेक करना है कि आपके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बेटा कोई पीओएस सीओएस नहीं होना चाहिए कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एक बात बताओ क्या स्क्वायर प्लेनर शो करेगा क्या क्या स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर बताओ जरा स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं शो करेगा सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कौन सा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कौन सा सिमेट्री है मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो कौन शो करेगा या तो शो करेगा आपका कौन या फिर शो करेगा आपका टेट्राहेड्रल अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमाएगा तो हम डेक्स्ट्रो बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड घुमाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे लीवो कहेंगे ठीक है और इसी डी और एल आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड को हम लोग इनाशियोमर्स कहते हैं क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनाशियो तो मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररर इमेज ऑर्गेनिक वाली बात है हमने पढ़ा भी ऑर्गेनिक में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररर इमेज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा नॉन मिरर इमेज को हम लोग कहते हैं इनाशियो मॉफ्स तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं जरा देख लीजिए कौन कौन शो कर रहा है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो नहीं करता है क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो अब टेट्राहेड्रल में सिर्फ एम ए बी सी डी शो करेगा देख लो मान लीजिए मैंने लिया ये एम ए बी सी डी क्या देखना है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए तो बेटा यहां क्या हो जाएगा इसका ए या बी इधर रख दो डी और इधर कर दो क्या सी तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो दिस विल शो जीआई मैं लास्ट में इसका समरी लिखा दूंगा कौन कौन सा शो करता है बोलो यस और नो अब इसके बाद आता है ए टू बी टू सी टू भी शो करता है ए बी सी डी ई एफ क्योंकि अनसिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल शो करेगा MAA होल थ्राइस शो करेगा MAA होल ट्वाइस B2 और MAA B2 C2 शो करता है जल्दी देख लो इन सबका सिस फॉर्म कैसे देखते हैं जरा मान लीजिए मैं इसको समझाता हूं जरा देखो सब लोग एवरीवन मान लीजिए मैंने कहा MAA होल थ्राइस कैसे शो करेगा एक समझा देता हूं बाकी नहीं अब MAA होल थ्राइस कैसे शो करेगा बेटा ये सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड है तो हमको इसको रखना तो पड़ेगा कहां पर एम ए ए लिया ए और ए ले लिया और ए और ए ले लिया सिमेट्रिकल बाइडेंट ऐसा रख लिया तो इसका जब बेटा आप मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनाओगे फिर से वही कौन कौन सा अब ये ए ए और ए इधर आ गया मिरर इमेज है ये इधर आ गए बोलो और ये ए और ए यहां आ गए और ये ए और ए यहां आ गए तो ये फिर से नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है ये क्या है नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज तो इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे है कि नहीं समझ आई बात क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो इसको हमें कहां लगाना पड़ेगा 90 डिग्री पर तो इसका मैं समरी दे देता हूं मैं इसका समरी दे देता हूं सुनिए समरी देख लो फॉर फॉर इसको याद रख लेना काम हो जाएगा फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिजम कौन कौन शो करेगा टेट्रा हेड्रल में कौन शो कर रहा है बेटा टेट्रा हेड्रल में आपका शो करेगा एम ए बी सी डी शो कर रहा है और ऑक्टा हेड्रल में जो सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्टा हेडल में उसका सिस्ट फॉर्म कौन कौन से एम ए ए होल थ्राइस एम इसको एक, एक कम करते रहो ए ए होल्डवाइस बी टू फिर एम ए ए बी टू सी टू और सिस फॉर्म इन सबका और एम ए टू बी टू सी टू और एम ए बी सी डी ई एफ ये अनसिमेट्रिकल होता है ये सारे शो करेंगे तो इतना अगर आपको ध्यान रहेगा तो ये सारे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते ठीक बात है तो ये वही सारी चीज अलग अलग डस डायग्राम बना के दिखाया गया है जो मैंने आपको समझा दिया तो जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चे द कॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स पीटीपीवाई एन एच थ्री बी आर सी एल विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कॉम्प्लेक्स पीटीपीवाई एन एच थ्री बी आर सी एल पी टी पी वाई एन एस थ्री बी आर सी एल कितने जोमेट्रिकल आइसोमर जल्दी 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 बच्चे जल्दी बताओ बच्चा yes, क्यों? ये हो जाएगा एम ए बी सी डी इसके जैसा है अभी आपने सिखाया था इसका जी आई कितना होता है इसका जी आई सर तीन होता है इसका जी आई कितना होता है थ्री होता है बिल्कुल द आंसर इज ए बिल्कुल द आंसर इज ए वेरी गुड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सा फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है जल्दी से जल्दी जल्दी फास्ट ए आई ट्रिपल ही दो हजार ग्यारह का सवाल है बेटा च ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आई एन है आंसर इज सी कैसे हो गया यह हो जाएगा सर एम ए ए होल्ड ट्वाइस और क्या बच्चे बी टू तो यह ऐसे ही सिखाया था ना कैसे हो जाएगा बेटा एम ए ए होल्ड ट्वाइस बी और बी एक बार अगर आपने यहां रख दिया तो ए और ए यहां रखना पड़ेगा नाइनटी पर और ए और ए यहां रखना पड़ेगा यह हो गया सिर्म और इसी का अगर ट्रांस बनाने जाऊं तो बी और बी हो गया यहां पर और A और ए आपका यहां और ए और ए आपका यहां ये यह हो गया आपका ट्रांसफॉर्म तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नेक्स्ट देख लीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर अगला सवाल बेटा देख रहे हो आइसोमेरिज्म के भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना अब तो आज कम लोग थे लेकिन हम लोगों ने सारा करा कवर किया क्या लगता है बेटा जल्दी बताओ आपको समरी दिया था समरी बोला था समरी दिया था उससे हो जाना चाहिए गरिमा ने बता दिया आंसर अनिल ने भी लिख दिया है संदीप ने भी लिख दिया जल्दी जल्दी फास्ट आंसर इज बी आंसर इज बी बेटा अभी लिखाया था कौन कौन से आंसर बी होगा देखो आंसर इज बी कैसे एम ए ए होल थ्राइस शो करेगा एम बोला एक कम करो ए होल ट्वाइस बी टू और एम ए ए बी टू सी टू ये सारे शो करेंगे बताया तो था तो किसका एम ये देखो एम ए ए होल थ्राइस को कर रहा है किसके जैसा है एम ए होल नहीं सॉरी एम ए ए होल थ्राइस को शो कर रहा है ये इसके जैसा है तो यस इट विल शो ऑप्टिकल आइसो मेडिजम इट विल शो ऑप्टिकल आइसो मैडि क्लियर है तो दिस कम्प्लीट आर दिस आर क्या ये हमारा समाप्त होता है यहां पर पूछ रहे डी कैसे नहीं डी क्या है बेटा एम ए होल ट्वाइस है बेटा ये क्या है एम ए ए होल ट्वाइस है ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार ही हो गया ना ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए हो गया हां जी तो चलिए दिस कंप्लीट आर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ आया बेटा सी और आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया क्या एक बार चैट बॉक्स में बता दो सी और आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ एक बार जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में लेट मी नो इन द चैट सेक्शन क्लियर है हा तो आपको क्या करना बेटा कोऑर्डिनेशन के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो जाके आप प्रैक्टिस करिए हां पक्का एक बार फिर से दोबारा मैसेज कर देना सत्य पक्का क्लियर है चलो तो इससे रिलेटेड आप लोग क्या करना बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इसके सारे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लगा लेना सारे लगा लेना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है आराम से आपका हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्लियर है बोलिए और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि बच्चे आपके पास चिल्ड्रंस डे ऑफर अगर आप वे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं आप ड्रॉप ले रहे हो और वेब प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हो इंडिया के बेस्ट टीचर से सिस्टमैटिक वे में तो सभी कोर्सेज पर बच्चे 50 परसेंट ऑफ है चाहे आप इलेवेंथ में है चाहे ट्वेल्थ में है चाहे आप ड्रॉप ले रहे हैं सभी पे 50 परसेंट ऑफ है अपू रुपीज टू थाउजेंड कुछ नहीं करना है छोटू सा कूपन कोड है यूपी प्रो लगाओ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप उस पर जाओ क्लिक करो और जुड़ जाओ ठीक है तो मैं आपको वो दे देता हूं नोट्स दे देता हूं नोट्स दे दिया जाए आपको अभी अपलोड हो जाएगा क्या है ये सी एफ टी कोडिनेशन केमिस्ट्री सी एफ टी एंड आइसोमेरिज्म है ना सी एफ टी एंड आइसोमेरिज्म तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा अभी मिल जाएगा आपको पार्ट वन का नोट्स नहीं आया है भेज दिया है शायद चलो अभी मिल जाएगा कंपाउंड है बेटा इन साइन मोटिवेशन दैट इज अ कंपाउंड ठीक है तो ये अभी मैं नोट्स अपलोड करा देता हूं और आप लोग बस क्वेश्चन करो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगा मेटल कार्बन बॉन्ड देखो शायक मेटल कार्बन बॉन्ड अच्छा ठीक है मैं अभी चेक करता हूं अगर पार्ट वन नहीं आए तो ये अपलोड करा दूंगा दोनों ठीक है आज के लेक्चर में और कोई डाउट और कोई दिक्कत और कोई तकलीफ परेशानी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा ठीक बात है तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर हम लोग एग्जिट करते हैं इसको और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में चलो तो फिर बाय बाय एवरी बाय बाय एवरी सी यू इन द नेक्स्ट सेशन तब तक के लिए पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो और क्वेश्चन करते रहो ठीक है चलो बाय बाय गुड नाइट बाय बाय